पर अजमेर से है, जहां रेलवे के निजीकरण और नई पेंशन स्कीम के खिलाफ कर्मचारियों ने GCA चौराहे पर विशाल प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला जलाकर इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि रेलवे का निजीकरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रदर्शन में उत्तर पश्चिम मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष SI जैकब ने कहा कि रेलवे का निजीकरण रेल कर्मचारियों के दमन की शुरुआत है, जो किसी भी दशा में मंजूर नहीं है। और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर, राष्ट्रव्यापी आह्वान पर, आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा अजमेर GCA चौराहे पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन कर भारत सरकार का पुतला जलाने का काम किया। किसी भी इंडस्ट्रीज को बदनाम करके उसको मारने का जो साजिश भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, लगातार रेल कर्मचारियों और रेलवे को बदनाम किया जा रहा है, जो वास्तविकता से भिन्न है।